जटिल परिवर्तन, परिवर्तन में ऊर्जा का महत्व तथा आपसी प्रतिक्रियाएं। इस वीडियो में जटिल परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तनों में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, परिवर्तन में ऊर्जा का महत्व। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हुआ खोजी, क्या सोच रहे हो? दीदी, स्कूल आते समय रास्ते में एक पेट्रोल पंप है जहाँ लोग अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भरवाते हैं। मैं रोज यही सोचता हूँ कि ये डीजल और पेट्रोल बनता कैसे है। ओह, तो ये बात है, तुम ये सोच रहे हो कि ये डीजल पेट्रोल कहाँ बनते हैं और हमें कैसे मिलते हैं, है ना? हाँ दीदी। अच्छा, एक बात बताओ, गोबर गैस बनाने के बाद बचे हुए गोबर का क्या करते हैं? संपर्क दीदी, उसे तो एक गहरे गड्ढे में डालते जाते हैं। फिर जब गड्ढा पूरा भर जाता है तब उसे मिट्टी से ढक देते हैं। अच्छा, ऐसा किया जाता है, तब तो गोबर मिट्टी में ही मिल जाता होगा। संपर्क दीदी, पिताजी कहते हैं कि 2-3 महीने में गोबर खाद में बदल जाता है। बिल्कुल ठीक, जमीन के अंदर गोबर में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्रियाएं करके उसे खाद में बदल देते हैं। गोबर का खाद में बदलना एक जटिल परिवर्तन है, इसे कॉम्प्लेक्स चेंज यानी मुश्किल से होने वाला परिवर्तन भी कहते हैं। पता है, डीजल, पेट्रोल, पत्थर के कोयले आदि भी जटिल परिवर्तन से ही बनते हैं, लेकिन इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष। वो कैसे दीदी? ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया से होता है बच्चों, समझाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत उथल पुथल के कारण बड़े बड़े जंगल और जीव जंतु धरती के नीचे दब गए। जमीन के अंदर उन पर बहुत अधिक दबाव पड़ा और साथ जमीन के नीचे बहुत अधिक गर्मी भी थी, जिसके कारण धीरे धीरे पेड़ पौधों के तने और डालियां पत्थर के कोयले और अन्य खनिजों में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार समुद्र की गहराई में भी उथल पुथल के कारण जीव जंतु दब गए। अधिक दबाव पड़ने से ये जीव जंतु ईंधन में बदल गए। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पेट्रोल, डीजल आदि इसी जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं। इससे कई गैसें भी मिलती हैं। इतनी मुश्किल से मिलता है हमें ये सब? हाँ बच्चों, तभी तो ईंधन बचाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो फिर से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। संपर्क दीदी, और कहीं भी जटिल परिवर्तन होते हैं क्या? हाँ सवाली, हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे पेट में जाके बहुत सी जटिल क्रियाओं के बाद ही पचता है, इसलिए इसमें भी जटिल परिवर्तन होता है। और तो और, हमारा सांस लेना भी जटिल परिवर्तन का ही उदाहरण है। इनकी प्रक्रियाएं तुम सब बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। अब तो तुम सब परिवर्तनों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ दीदी, परिवर्तन मंद और तीव्र होते हैं। कुछ परिवर्तनों को बदला जा सकता है, कुछ को नहीं। दीदी, कुछ परिवर्तन अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल। कुछ को नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ को नहीं। शाबाश। और हाँ, कुछ परिवर्तन दबाव के कारण होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का बनना या सूखे आटे को गूंधना और चाकू से सब्जी काटना। संपर्क दीदी, परिवर्तन गर्मी की वजह से भी तो होते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, खाने का पकना। बिल्कुल ठीक सवाली, जब आसमान में तेजी से बिजली कड़कती है तब हमारे घर के खिड़की दरवाजे हिल जाते हैं और कभी कभी खिड़कियों में लगा कांच भी चटक जाता है। ऐसा बिजली की तेज आवाज की वजह से होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये परिवर्तन ध्वनि ऊर्जा की वजह से हुआ है। संपर्क दीदी,
तब क्या सोलर कुकर में खाना पकना सौर ऊर्जा की वजह से होता है? सही समझे। अच्छा बताओ, जब तुम साइकिल चलाते हो तब भी कोई परिवर्तन होता है क्या? होता तो है दीदी, हम साइकिल के पैडल पे दबाव डालते हैं जिससे पैडल अपनी जगह बदलता है और साइकिल आगे बढ़ती है। हाँ, साइकिल चलाते समय तुम में कोई परिवर्तन होता है क्या? जल्दी से सोच के बताओ तो। दीदी, हम भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बस पैरों में थोड़ा दर्द होने लगता है। बच्चों, जब दो चीजें आपस में क्रिया करके कोई परिवर्तन करती हैं, तब दोनों में ही कुछ न कुछ बदलाव आता है। ठीक, परिवर्तन होने के बाद वे एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम परिवर्तन में होने वाली प्रतिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे पैडल पर दबाव डालने से तुम्हारे पैरों पर भी तो दबाव पड़ता है कि नहीं? अच्छा दीदी, एक और उदाहरण से समझो। हम घर में सब्जी काटने के लिए जो चाकू उपयोग करते हैं, उसकी धार हमें समय समय पर ठीक करवानी होती है ना? मतलब सब्जी काटने में सब्जी में तो परिवर्तन होता है, लेकिन चाकू में भी परिवर्तन होता है। संपर्क दीदी, क्या इसीलिए हमारी पेंसिल छीलने वाली ब्लेड खराब हो जाती है? हाँ, सही समझे तुम। अपने चारों ओर देखोगे तो तुम्हें परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेंगे, लेकिन अब उन सब को ध्यान से देखना और उनके पीछे के कारणों को जानने का प्रयत्न भी करना। अच्छा बच्चों, अब मेरे कुछ सवालों का उत्तर दो। तो बताओ, मिट्टी का तेल कैसे बनता है? दीदी, मुझे लगता है कि मिट्टी का तेल भी जटिल परिवर्तन से ही बनता है। तो बच्चों, एक बात बताओ, जब किसी कागज पर लेंस से सूर्य का प्रकाश केंद्रित करते हैं तो कागज जलने लगता है, ये परिवर्तन किस कारण से होता है? ये तो मुझे पता है दीदी। तो बताओ। दीदी, कागज में ये परिवर्तन भी सौर ऊर्जा के कारण हुआ। लेंस से सूर्य का प्रकाश कागज पर केंद्रित करने से सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा में बदल जाता है और कागज गर्म होकर जलने लगता है। शाबाश सवाली। तो बच्चों, आया समझ में? हाँ दीदी। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो अब तुम सब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।